हाजरीन आदाब, एटीवी रेचुर में आप तमाम का खैर मकदम है। आज की अहम सुर्खियां इस तरह हैं। पहली खबर की सुर्खी के मुताबिक आज शहर में नई पेंशन स्कीम को रद्द करने का मुतालबा करते हुए सरकारी मुलाजमीन ने खून का अतिया पेश करते हुए एक नई तरह का अनोखा एहतजाज किया। दूसरी अहम सुर्खी के मुताबिक उर्दू स्कूल अरब मोहल्ला में आज शजरकारी और अत्याय मेहनत कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। तीसरी अहम सुर्खी के मुताबिक शहर के मोहल्ला कोरतार में पैर लगने की मामूली वजह पर चाकूजनी का मामला पेश आया। चौथी अहम सुर्खी के मुताबिक आज सरकारी माराडागारा संघ के सदर एन महावीर ने इल्ज़ाम लगाया कि सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थर्ड राउंड के तहत रास्तों की तोसी में ताखिर होना बल्दिया कमिश्नर की तसावली है। पांचवी अहम खबर की सुर्खी के मुताबिक लोक जन शक्ति पार्टी के रियासती इजलास 6 अक्टूबर को बेंगलुरु में मुनक़िद किया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। पहली खबर की तफसील इस तरह है कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करने का मुतालबा करते हुए आज सरकारी मुलाजमीन ने खून का अतिया पेश करते हुए एक अनोखा एहतजाज किया। नई पेंशन स्कीम को मुलाजमीन के लिए एक हानिकारक स्कीम बताया गया। मुलाजमीन ने खून का अतिया कैंप मुनक़िद करके ये अनोखा एहतजाज पेश किया। आज जिला सरकारी मुलाजमीन एसोसिएशन के कारकुनान और दीगर मुलाजमीन हाशमिया सर्कल पर जमा हुए। खून दे देंगे मगर पेंशन ना छोड़ेंगे का नारा लगाया। बाद अज़ां करीब में वाक़ा स्पंदना भवन पहुँचे और अपनी मर्जी से सभी ने खून का अतिया पेश किया। इन्होंने डॉक्टरों से गुजारिश की कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करने के हमारे मुतालबे की 100 तक हमारा खून लेते रहें, मगर डॉक्टरों ने जांच के बाद मुनासिब मकदार में खून के अतिया ही कबूल किया। बाद अज़ां तंजीम ने ज़िला डिप्टी कमिश्नर के तवसुस से वज़ीर आला को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें इन्होंने कहा कि 2006 के बाद तकरर होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पुरानी पेंशन स्कीम से महरूम रखा गया। नई पेंशन स्कीम में कई तकनीकी खराबियाँ हैं, जिसकी वजह से मुलाजमत से सबकदोशी के बाद सरकारी मुलाजमीन को भीख मांगने की नौबत आ सकती है। NSP मंसूबा पूरी तरह नाकाम है, लिहाजा नई पेंशन स्कीम को रद्द करके कदीम पेंशन स्कीम को ही लागू किया जाए। इस मौके पर तंजीम के ज़िला सदर महंतेश बिरादर, नायब सदर जगदीश पटेल, बसवराज पाटिल, अशोक रेड्डी, मल्लेश नायक, ईराना और दीगर भी मौजूद थे। ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಇವತ್ತು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೌಕರರು ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಈ NPS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ NPS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ NPS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು, ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಹಂತೇಶ್ ಬಿರಾದರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ NPS ನೌಕರರ ಸಂಘ. दूसरी खबर की तफसील के मुताबिक सरकारी उर्दू स्कूल अरब मोहल्ला में आज अतियाय मेहनत व शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के उर्दू प्राइमरी स्कूल अरब मोहल्ला में ईफा फाउंडेशन, सैयद मुकरम मेमोरियल ट्रस्ट, स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, SSRG वुमेंस कॉलेज और सरकारी उर्दू स्कूल अरब मोहल्ला के इश्तराक से अतियाय मेहनत व शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन तंजीमों के जुम्मेदारान कारकुनान के अलावा SSRG वुमेंस कॉलेज की तालिबात ने अपनी मेहनत का अतिया पेश करते हुए स्कूल के अहाते की और अकबी हिस्से की सफाई की। यहां पर झाड़ू लगाई गई और कचरा वगैरह हटाया गया। साथ ही साथ इस साफ़ सुथरे मैदान में नए पौधे लगाए गए और उनको पानी दिया गया। इस मौके पर मुनक़िदा फंक्शन से ईफा फाउंडेशन के सदर मोहम्मद साजिद, SK हुसैनी अफसर, मौलाना निज़ामुद्दीन और दीगर ने भी खिताबात किए। इस मौके पर मुदस्सिर के अलावा कई एक असातिज़ा इकराम और कसीर तादाद में तलबा भी मौजूद थे। और इसी तरह से सामईन में ख्वातीन हज़रात और तालिबात, मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में
बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और बहैसियत आलिम के दीनी एतबार से जो सफाई सुथराई की इस्लाम में तालीमात है उसको मैं बयान करने की मुख्तसर अंदाज में कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक ताला अपने कलाम में फरमाता है, फ़ीही रिजालु युहिब्बुन अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन। कुरान पाक के अंदर कुछ सहाबा का तज़किरा है जो बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई को इख्तियार करते थे। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। तो सफाई और पाकी जो है वह इस्लाम में मतलूब और मकसूद है और इसकी तालीम दी गई है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे आपने सुना तहूरु शत्रुल ईमान के पाकी आधा ईमान है, इसी तरह से आपने फरमाया कि नज़्ज़िफ़ु अफ़नियता बुयूतिकुम, कि तुम अपने घरों के सहन और आंगन को साफ़ सुथरा रखो। हदीस के अंदर तालीम है, क्या मतलब है? जब घर के बाहर सहन को साफ़ रखना है तो घर तो और ज़्यादा साफ़ रखना है। तो सफाई सुथराई जो है वो इस्लाम में इसकी बहुत ज़्यादा तालीम दी गई है कि जैसे नहाने धोने के बारे में कि जब जुमा के दिन आएंगे तो नहा धोकर खुशबू लगा के आने का हुक्म है, और रोज़ाना 5 वक्त मस्जिद में जब नमाज़ के लिए हाजिर होंगे तो वज़ू करके नमाज पढ़ना है, तो वो भी सफाई सुथराई है और उसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सोकर उठते ही सुबह में मिसवाक करते थे और रात को सोने से पहले मिसवाक करते थे और वज़ू में भी इस्तेमाल करते थे मिसवाक का। तो इस तरह से सफाई की तालीम जो हमारे नमाजों में, वज़ू में और घरों की पाकी सफाई में और लिबास में, तहारत में, हर एक के अंदर इस्तिंजा में इसकी तालीम दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकी सफाई को इख्तियार करें। तो सफाई सुथराई जो है ये इस्लाम की तालीमात में से है, हम लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इस्लाम तो सफाई को पसंद करता है, लेकिन आम तौर से हमारा क्या हाल है कि हमारे घरों का क्या हाल है और हमारे बच्चे किस हाल में ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसा नक्शा और माहौल पेश करते हैं और कितना साफ़ सुथरा रहते हैं और हम अपने घरों के सामने कितनी सफाई रखते हैं, इसके बारे में जैसे हमारे साजिद भाई और दूसरे हजरात ने आपको सारी बातें और उसका माहौल का नक्शा आपके सामने पेश कर दिया जो इस्लाम की तालीमात किताबों में है, कुरान और हदीस में है, आज हमारी ज़िंदगी उन तालीमात से बहुत दूर है। इस वजह से हम लोगों को इसकी कोशिश करनी है कि जो इस्लाम ने जिन तालीमात का हुक्म दिया है पाकी सफाई में, वो हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपने बच्चों में उसको दाखिल करें, तो इंशाल्लाह सही माने में लोगों को इस्लाम की सफाई भी समझ में आएगी और हमारे घर भी साफ़ सुथरे रहेंगे और हमारा माहौल भी साफ़ सुथरा रहेगा। ये प्रोग्राम मुनाकिद करने वालों को मैं मुबारकबाद दूँगा कि यहाँ पर जो है हमारा, चूँकि इस एरिया के अंदर मुसलमान ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ दूसरे स्कूल की जो लड़कियाँ आई हैं तो ये भी मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि ये जो जिस जज्बे से आए हैं इनके जज्बे को कबूल फरमाए। हम लोगों को जैसे हमारे साजिद भाई ने कहा कि इनका ख्याल रखना चाहिए खाने पीने और सारी चीज़ों का, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और फिर जो है आगे कोई आए ना आए, हर एक को अपना घर, अपना आंगन, अपना सहन, अपनी गली, अगर ये सफाई का ख्याल कर लेंगे तो इंशाल्लाह पूरा मोहल्ला भी साफ़ सुथरा रहेगा और पूरा शहर भी इंशाल्लाह साफ़ सुथरा रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमें पाकी सफाई को जो इस्लाम की तालीमात हैं अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तीसरी खबर की तफसील इस तरह है कि पैर लगने के मामूली वाक़े को लेकर पेट में चाकू घोंपने का एक वाक़ा आज शहर के मोहल्ला कोटवार में पेश आया। ज़राए ने बताया कि मोती मस्जिद के करीब ईशा की नमाज के बाद हसन नामी नौजवान ने निसार नामी नौजवान के पेट में 3 मरतबा चाकू घोंप दी। वाक़े की इत्तला पाते ही सदर बाजार PSI उमेश कांबड़े मुकाम वारदात पहुँचे और ज़ख्मी को फौरन रिम्स अस्पताल में दाखिल कराया। कुछ ही देर बाद मुलजिम हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। DSP SB पाटिल ने रिम्स मेडिकल अस्पताल पहुँचकर ज़ख्मी निसार का मुआयना किया, जहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि निसार की हालत अब ख़तरे से बाहर है।
एक मुकामी फर्द ने बताया कि ईशा की नमाज में पैर लगने से हसन बरहम हुआ और बाद नमाज मस्जिद के बाहर ये वाकया पेश आया। चौथी खबर की तफसील के मुताबिक उस्मानिया मार्केट तरकारी माराटागारा संघ के सदर एन महावीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थर्ड मरहले के तहत शहर की तौसी करने में बल्दिया कमिश्नर पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी तसावली है कि थर्ड राउंड अभी तक अमल में नहीं लाया गया। इस सिलसिले में बाज़ सियासतदानों का हाथ भी शामिल है जिसकी वजह से रास्तों की तौसी नहीं की जा रही है। इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द रास्तों के दोनों दरमियान वाक़ा मलगियात को नोटिस देकर अशोक रोड तीन खंडिल रोड महावीर चौक से गांधी चौक तक की सड़कों को जल्द से जल्द तौसी करते हुए इनकी तामीर अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चार सालों से सड़कों की तामीरात चल रही हैं लेकिन आज तक ये तामीरात मुकम्मल नहीं हुई जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके अलावा सेक्रेटरी प्रभु नायक, नायब सदर MS खान और ख्वाजप्पा बसवराज व दीगर भी मौजूद। पाँचवीं खबर की तफसील के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के रायचूर जिला सदर नारायण कल्ली ने बताया कि 6 अक्टूबर को बेंगलुरु में लोक जनशक्ति पार्टी के आला पैमाने पर प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए बताया कि 6 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे क्वींस रोड पर लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर का अफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इसके बाद 11 बजे एक रैली निकाली जाएगी जो गुरु नानक भवन को पहुंचेगी, जहां 2 बजे लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इन प्रोग्रामों में लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सदर रामविलास पासवान के अलावा चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, अब्दुल खालिद और रियासती सदर MS जगन्नाथ के अलावा JL रंगप्पा और दीगर भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर नारायण कल्ली के हमरा MD अशरफ, JL आनंद, बिजिनगेरा नागराज, शेखर गौड़ा, नसीर श्रीनिवास, माइकल बाबू, सरस्वती और दीगर भी मौजूद थे।